नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, बात करेंगे तेरापंथ समाज की और तेरापंथ समाज में महासभा के पूर्व महामंत्री श्रीमान विनोद जी बेद साहब ने पुणे के श्रीमान कमल कोठारी जी के माध्यम से एक बहुत प्यार भरा संदेश भेजा है। अब विनोद जी ने भेजा है तो संदेश प्यार भरा ही होगा। उन्होंने एक संत महात्मा के प्रवचन की टैग लाइन की, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, उस वीडियो को अटैच करते हुए ये कहते हुए भेजा है कि ये आलोक हीरावत जी, प्रकाश बोहरा जी, संजय सनम जी तक भिजवा दीजिए। आप समझ रहे हैं व्यूवर्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में श्रीमान विनोद जी को खुला आमंत्रण दिया था कि आप भी आइए, आप भी जुड़िए, अपनी बात को कहिए। हम निष्पक्ष पत्रकार हैं और उस भूमिका को पूरी तरह से निभाएंगे। आपको बिल्कुल पूरा वक्त मिलेगा जो दूसरे अतिथियों को मिलेगा। और अगर आपको हम देखेंगे कि आपकी थोड़ी कमजोरी आ रही है, आपको थोड़ा वक्त और चाहिए, तो हम थोड़ा वक्त आपको और अधिक भी दे सकते हैं। ये हमारी मानसिकता थी, लेकिन साहब आप तो आए नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपना जवाब इस तरह से भेजा जैसे कोई दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहा हो। आपका ये जवाब स्पष्ट बताता है विनोद जी कि आपके पास सच्चाई का तर्क नहीं है, आपके पास समाज के लोगों का जवाब नहीं है। और इसलिए जैसा कि लोग कहते हैं कि आप लीपापोती करने का ही प्रयास करते हैं, आपने हमें कुत्ता बनाने के चक्कर में अपने आप को भी पशु योनि में रख दिया, हाथी बना दिया ना। अब आप हाथी हैं या लोग आपको कुछ और समझते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने अपने आप को पशु योनि में खुद बनाया है। हम तो आपको इंसान ही समझते थे। अब आपने बात कही कुत्ते की। विनोद जी, कुत्ता भौंकता है, इसलिए भौंकता है क्योंकि कुत्ता चौकीदार होता है, कुत्ता वफादार होता है। अगर आपने हमें कुत्ता कहा तो हम, यानी मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अगर भौंकता हूं तो मैं वफादारी निभाता हूं अपने क्षेत्र के प्रति, लोगों को जगाता हूं। और ठीक उसी तरह से समाज के जो अतिथि आलोक हीरावत जी और प्रकाश बोहरा जी हमारे साथ बैठे थे, अगर आपकी नजर में वो कुत्ते हैं तो वो भी अपना काम समाज के लिए वफादारी के रूप में कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कुत्ता कब भौंकता है, जब वो गलत व्यक्ति को देखता है। आपने हमें कुत्ता कह करके आपने अपने आप को गलत व्यक्ति प्रमाणित कर दिया, जबकि हम, यानी व्यक्तिशा मैं, कभी भी आपको न तो इस अंदाज में समझा था। हालांकि कई बार लोगों की आवाजें जरूर आई थी, लेकिन हमने उसका खंडन किया था। हमने हमेशा यही बात कही कि इस व्यक्ति के अंदर काबिलियत खूब है, बस प्रयोग सकारात्मक हो जाए तो समाज के लिए अवदान हो सकता है। और देखिए, आपने फिर अपनी ऊर्जा का, अपनी क्षमता का, अपनी बुद्धि का, अपनी चतुरता का गलत प्रयोग किया, नकारात्मक प्रयोग किया। और विनोद जी, जब कोई गलत प्रयोग अपनी क्षमता का करता है तो फिर उसका किया हुआ वार लौट कर उसी पर आकर के पड़ता है। मैंने उस वीडियो को सुना नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वो महात्मा का वीडियो है। महात्मा ने जिस प्रसंग पर भी कहा होगा, अपने प्रवचन के उद्देश्य से, समझाने के लिए उद्देश्य से कहा होगा,
लेकिन आपने तो उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ? आपकी बंदूक का वार आप पर ही सीधा वार हो गया, जबकि मैं ये करना नहीं चाहता था। विनोद जी, आज मैंने आचार्य श्री महाश्रमण जी का एक ऑडियो सुना। वो सच और झूठ की बहुत शानदार विवेचन कर रहे थे। मैंने अपने उस वीडियो में भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि महाश्रमण जी अपने इर्द गिर्द के माहौल में रह रहे लोगों की कुछ क्रिया प्रतिक्रिया को देख करके उन्हें शायद इशारों ही इशारों में समझाना चाहते हैं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया विनोद जी, उनमें से एक नाम शायद आपका भी हो सकता है। मुझे अफसोस इस बात का है विनोद जी कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान आचार्य श्री महाश्रमण जी का बहुत सानिध्य प्राप्त किया, बहुत निकट आपने सेवाएं उनके साथ का अवसर आपको मिला, लेकिन आपने उनका ज्ञान, उनका दर्शन, वो जो चाहते हैं वो आपने एक अंश भी ग्रहण नहीं किया। जैसा कि लोग कहते हैं कि आप उठा पटक राजनीति में लगे रहे, और आज समाज जहां पर खड़ा है विनोद जी, लोग भूल नहीं पाएंगे आपने समाज के संविधान पर जिस तरह से अपना कौशल दिखाया है, उससे समाज के दिल में एक जख्म बना है, और वो जख्म तब तब हरा हो जाता है जब जब आप इस तरह की फिर कोशिश करते हैं। विनोद जी, अगर आपने मुझे अकेले में यह मैसेज भेजा होता और सिर्फ मेरे लिए ये बात कही होती, तो शायद मैं आपको फोन से बात करके इग्नोर कर देता। लेकिन आज मुझे बोलना पड़ा है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं तेरा पंथ समाज के लिए। आपने ये कुत्ता शब्द का प्रयोग जिस रूप में किया है, आपने आलोक हिरावत और प्रकाश बोरा पर ही नहीं किया, आपने समाज के ऐसे अनेक जागरूक प्रबुद्ध, समाज के अनेक शुभचिंतक जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, जो कहते हैं, रखते हैं, लिखते हैं, आपने न जाने उन सैकड़ों हजारों लोगों पर आपने ये वार किया है, आपने उन सबको कुत्ता बनाया है। विनोद जी, अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। जब समाज में इतने कुत्ते हो जाएंगे, आपकी भाषा में और मेरी भाषा में इतने चौकीदार, इतने पहरेदार हो जाएंगे, तब फिर आपका काम कैसे चलेगा विनोद जी? अब आप वो कैसा कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे जो आप, जैसा कि लोग कहते हैं, आप करते आए हैं? अब आपने ही चौकीदार पहरेदार बनवा दिए हैं, यानी मजबूर कर दिए हैं बनने के लिए। हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे आचार्य भगवंत, पक्के संत ये कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, ऊपर की सोचनी चाहिए। आदमी की योनि है तो आदमी को कम से कम आदमी या देव की तरफ सोचना चाहिए। विनोद जी, आप अधोगति की तरफ क्यों जा रहे हैं? दूसरों को कुत्ता बनाने के चक्कर में आप खुद को पशु क्यों बना रहे हैं? ये सवाल है, विचार कीजिएगा। आप पर मैं कोई प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि शब्दों की दुनिया में, शब्दों के रण क्षेत्र में मेरा एक उसूल है, मैं कमजोर पर वार नहीं करता और मैं नियतों पर वार नहीं करता। आप मुझे बहुत कमजोर
लग रहे हैं विनोद जी, आज मेरी धारणा गलत हुई है। आप दूसरे मामले में बहुत ताकतवर होशियार हो सकते हैं, आपने अपनी क्षमताओं का, अपनी ऊर्जाओं का बहुत गलत प्रयोग किया है, ये समाज कहता है। लेकिन शब्दों के मामले में आप बहुत कमजोर हैं, और इसलिए ये मेरा उसूल है कि मैं कमजोर पर वार नहीं करता। इसलिए विनोद जी, मैं आप पर वार नहीं करता, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे, और आप जो अधोगति की तरफ जा रहे हैं, वो वक्त रहते रहते आप पशु योनि से कम इंसान बन जाएं। मैं आज आचार्य श्री महाशर्मन जी व धर्म संघ के जितने भी पक्के और सच्चे संत हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जो राजनीति कर रहे हैं मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जो पक्के व सच्चे संत हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसा माहौल बनाइए। हमारे कुछ लोग ऐसे, विनोद जी तो सामने दिख रहे हैं, पता नहीं और भी हो सकते हैं, मनुष्य योनि में रहते रहते अधोगति की तरफ जा रहे हैं, इन्हें बचाइए। देखिए, इन लोगों ने अपना समय दिया है, इतनी मेहनत इन्होंने की है, बहुत कुछ बातें इन्होंने गलत की है, कुछ बातें इन्होंने अच्छी भी की होगी, उन अच्छी बातों का ख्याल रखते हुए इनके प्रति सहानुभूति का व्यवहार किया जाए, इन्हें सत्मार्ग दिया जाए ताकि ये सही रूप से चल सके। आलोक जी और प्रकाश जी को मैं शामिल कर सकता था, विनोद जी आपने जो बात कही वो जवाब देने में सक्षम है, और हो सकता है उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लेखनी से दे भी दिया हो, और वो आवाज से भी, बोल करके भी अपनी बात कह सकते थे। लेकिन साहब, मैं उनसे क्षमा चाह रहा हूं कि मैं उन्हें इस रूप में शामिल नहीं कर रहा, और मेरी करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हो सकता है उनके आक्रोश से कोई शब्द ऐसा निकल जाए जो महासभा के महामंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा के अनुसार नहीं रहे। मैं संवैधानिक पदों का बड़ा सम्मान करता हूं विनोद जी, मैं ये मानता हूं कि कई बार संवैधानिक पदों पर भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं आते, लेकिन फिर भी संवैधानिक पदों का सम्मान तो हम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि प्रकाश बोहरा जी बड़े बेबाक और बिंदास अंदाज में बोलने वाले लोगों में हैं, सच बोलने वाले लोगों में हैं, उन्होंने तो आपको खुला आमंत्रण दिया था, चुनौती दी थी कि धर्म संघ की रीति नीति परिपाटी के बारे में आप सामने आइए, एक एक सवाल रखता हूं उसके जवाब दीजिए। और वो तो ये भी कह रहे थे कि आचार्य श्री महाशर्मन जी के सामने भी अगर आप ये कर लीजिए, वो एक एक बात आपको गिनाने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं नहीं बताना चाहता आपको, वो कड़वे लंबे याद दिलाना नहीं चाहता, मुंबई का, हैदराबाद का, हैदराबाद के समाज में जब आप आए थे क्या हुआ था, मैं याद दिलाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है जले पर नमक लगाना। मैं पत्रकार हूं, लेकिन मेरे अंदर कवित्व भी मौजूद है, इसलिए मैं मोहब्बत और प्यार की बात करता हूं, मैं सद्भावना की बात करता हूं, मैं जुड़ाव की बात करता हूं, मैं प्रीत की बात करता हूं, मैं रीत की बात करता हूं, मैं द्वंद की बात करना नहीं चाहता। और इसी डर से मैंने प्रकाश बोहरा जी और आलोक जी को आमंत्रण नहीं दिया। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि मैंने उनको उपयुक्त मंच नहीं दिया, वे मेरे डिजिटल फर्स्ट न्यूज पर बोले और उसकी वजह से उन्हें यह शब्द अलंकार के रूप में मिला महासभा के पूर्व महामंत्री के द्वारा। हमने यहां पर तेरापन समाज में बड़े सम्मान सुने थे, शासन श्री का,
सेवा का जो पुरस्कार सम्मान आज तक हमने नहीं सुना। किस तरह से कुत्ते का अलंकार भी महासभा के पूर्व महामंत्री के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा दिया जाता है, ये पहली नजीर पेश की है आपने विनोद जी। अब समाज विचार करेगा और अगर विचार कर सकते हैं तो संघ प्रमुख विचार करेंगे, ये मेरा मसला नहीं है। मैं सार्वजनिक जीवन में हूं विनोद जी, मैं मानकर चलता हूं कि 1000 लोग जहां मेरे साथ खड़े रहेंगे वहां 10-20 लोग कीचड़ उछालने के लिए भी रहेंगे। अगर मैं कहीं गलत कर चुका हूंगा और मुझे कोई करेक्ट कर देगा, बता देगा, तो मैं सार्वजनिक मंच पर माफी मांगने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। लेकिन अगर मैं सही हूं तो मैं जानता हूं कि एक बड़ा कारवा, एक बड़ी जमात मेरे शब्दों के साथ रहेगी। लेकिन कुछ लोग जिनका स्वार्थ टूट रहा हो मेरे शब्दों की वजह से, वो विरोध करेंगे, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। आपके पास अगर और भी कोई घटिया शब्द हो, कुत्ता शब्द तो आपने फिर भी कुत्ते के शब्द के साथ तो चौकीदारी वफादारी जोड़ी है, भविष्य में और भी कोई घटिया शब्द हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये सीखा है कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। हमारे पास शालीनता है, हमारे पास सम्मान है देने के लिए। हम शालीनता रखते हैं, सम्मान देते हैं। आपने जो ये टैग लाइन लगा के कमल जी के माध्यम से हम तक संदेश भिजवाया, आपने बता दिया कि आपकी आपकी तिजोरी में यही है और मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो ही देता है। आचार्य श्री महाश्रमण जी के पास विवेक है, ज्ञान है, उन्होंने बताया कि सच और झूठ, वो बता रहे हैं, चेता रहे हैं, संकेतों में बता रहे हैं। अब समझना नहीं समझना ये भी साहब आपकी गलती नहीं है। जब पुण्य कर्म का उदय होता है तब सद्बुद्धि आती है, और जब तक और जब पाप कर्म लगता है कि जब आ जाते हैं तब आदमी की जो मति रहती है वो भी मारी जाती है। देखिए, मैं संतों की सेवा में इतना नहीं रहता विनोद जी, तो उतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन एक दौर था आचार्य श्री तुलसी का, उस दौर में मुझे भी सौभाग्य मिला था, और ये उस वक्त की बातें मेरे संस्कार में आई हुई है। आज मैं शालीनता के साथ, निर्भीकता के साथ अपने विचार रख रहा हूं, समाज के लोगों के विचार समाज के पटल पर दे रहा हूं, तो वो संजय सनम की बात नहीं है, उसमें आचार्य तुलसी के दिए हुए संस्कार हैं, और मैं उनके उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। जब मैं अपनी बात कहता हूं तो अपनी माँ सरस्वती, अधिष्ठात्री देवी, सच्चिया माँ भगवती को याद करके कहता हूं, तो जब मैं निर्भीकता और शालीनता की बात करता हूं तब कहीं ना कहीं मेरे जेहन में आचार्य तुलसी याद आ जाते हैं। बस फर्क और आपके और मेरे बीच में इतना है, मैंने अपने गुरु के दिए हुए संस्कारों को जीवंत रखा है और आपने उनको लिया ही नहीं। काश आचार्य महाश्रमण जी की थोड़ा सा भी ज्ञान, थोड़ा सा भी दर्शन ले लिया होता तो विनोद जी सवाल का जवाब सही रूप से जवाब से दिया होता, टैग लाइन से, उक्तियों से कुत्ता हाथी की तुलना करके नहीं दी होती। मुझे कोई अफसोस नहीं है विनोद जी, और नहीं मुझे कोई आपसे शिकायत है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं आपको सद्बुद्धि दे और आपके अंदर जो भी काबिलियत है, जो भी ऊर्जा है, ईश्वर उसे सकारात्मक ऊर्जा देते हुए समाज के कार्यों में लगाए। मैं आज भी यह मानता हूं कि आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन अफसोस इस बात का है उसका सकारात्मक प्रयोग नहीं हो रहा। या तो आप मजबूर हैं या फिर आप कर नहीं पा रहे, करना नहीं चाह रहे, और हो सकता है आपको यह लगे कि आप जो कर रहे हैं वो ही अच्छा है,
हो सकता है। विनोद जी, मेरे किसी शब्द से आपके मन को तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरे संस्कार वही हैं और मैं समाज के सभी संबद्ध लोगों से भी माफी चाहता हूं अगर मेरे किसी शब्द से मेरे समाज के तेरापन समाज के किसी भी व्यक्ति को, डिजिटल फर्स्ट न्यूज के किसी भी दर्शक श्रोता को कोई भी मन में अगर तकलीफ हुई है कि ये संजय सनम को नहीं बोलना चाहिए, ये उनकी शालीनता के अनुरूप नहीं है, ये उनकी पत्रकारिता के अनुरूप नहीं है, तो मुझे माफ करें, मैं क्षमा चाहता हूं। क्योंकि मेरा भगवान मेरे पाठक हैं, मेरे दर्शक हैं, मेरे श्रोता हैं, मेरे समाज के लोग हैं, वो मुझे सुनते हैं, वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं, वो मुझे उर्जित करते हैं, तभी मैं बोलता हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो मान के चलता हूं। हस्ती बनाने वाले लोग जनता हैं, इसलिए मैं तो इनका शुक्रगुजार हूं और मुझे तो इन्हीं के कायदे कानून के अनुसार चलना है। लोग जब तक चाहेंगे मैं इन विषयों पर बोलूंगा, लोग जब नहीं चाहेंगे तो विषय बहुत हैं, उन पर बोलेंगे। मेरा मकसद यही नहीं है कि मुझे समाज के लिए ही बोलना है, लेकिन हालात, परिस्थिति और समाज के लोग मजबूर कर देते हैं। विनोद जी, विनोद जी, मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगा कि आप अपने शब्द वापस लीजिए, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन हां, आपको आलोक जी और प्रकाश जी के लिए आपने जो कहा है वो शब्द वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि ये वे लोग हैं समाज के जो समाज के विभिन्न पदों पर रहे हैं और समाज की रीति नीति परिपाटी से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। मेरे से भूल हो सकती है, लेकिन आलोक हिरावत और प्रकाश बोरा जी जैसे लोगों से भूल नहीं हो सकती विनोद जी। इसलिए अगर आपका मन करे तो इन दोनों व्यक्तियों के लिए अपने आपने जो बात कही है उसे वापस ले लें। मैं तो पत्रकार हूं, मेरे लिए तो बहुत कुछ बातें अच्छी बुरी कही जाती है, मैं तो सुनने का आती हूं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। जब अच्छी बातें इतनी सुनता हूं तो एक दो गाली अगर आप और आप जैसे लोग और भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। और फिर कहता हुआ इस वीडियो को मैं संपूर्णता की तरफ ले जा रहा हूं कि अगर मेरे किसी शब्द से तेरापन समाज की सर्वोच्च संस्था महासभा के महामंत्री पद की गरिमा और शालीनता में अगर कहीं भी खंडन हुआ हो तो मैं संजय सनम माफी चाहता हूं। विनोद जी बेद चूंकि उस पद पर रहे हैं, इसलिए उस संवैधानिक पद के प्रति सम्मान रखते हुए विनोद जी बेद से भी माफी मांगने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। और समाज तो ईश्वर है, भगवान है, उसके पटल पर तो हम अपनी बात रखते हैं। अगर समाज यह कह दे कि मैंने अपने शब्दों के द्वारा किसी गरिमा का, किसी मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो मैं तत्क्षण अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।